अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्पोर्ट्स। भारतीय क्रिकेट टीम से कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई। मोहम्मद रिजवान की इंजरी के हवाले से क्या अपडेट निकल कर सामने आई, इस खबर की मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहां पर मिलती रहें। दोस्तों, अब आपको तफसील से कहा करते चलें कि पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के हवाले से कोई अच्छी खबर निकल कर सामने नहीं आई। रिजवान जो कि भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के दौरान हल्की फुल्की इंजरी का शिकार हुए थे, लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आई है कि रिजवान के ऊपर इंजरी के बादल मंडलाने लगे हैं। लेकिन रिजवान की इंजरी कितनी सी है से अभी इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जरा ने इस बात का दावा किया है कि रिजवान की इंजरी ज़्यादा सीरियस लग रही है और इस बात के भी काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि शायद मोहम्मद रिजवान एशिया कप से बाहर हो जाएं। और अगर खुदा न खास्ता रिजवान इंजरी हो तो फिर उसकी जगह पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद या फिर मोहम्मद हज, इन दोनों में से किसी एक को दुबई बुलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में रिजवान के अलावा पाकिस्तान का कोई और रेगुलर विकेट कीपर साथ नहीं है। इस लिहाज से जराए के मुताबिक सरफराज अहमद या फिर मोहम्मद हारिस को दुबई बुलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा एशिया कप स्क्वाड में खुशदिल शाह और फखर जमान विकेट कीपिंग तो कर लेते हैं लेकिन दोनों रेगुलर विकेट कीपर नहीं हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रिजवान को सेहत कामला अता फरमाए और उसको बड़ी इंजरी से बचाए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।